हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो दिस टाइम अगेन वी आर हेट विद द न्यू फंक्शन कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। वी सी दैट हाउ दिस फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल। हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको। स्टेप फंक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये होता क्या है सर, हम लोग एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर, इसका डोमेन कोडोमेन। ये एफ एक्स होता है किंट एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं गिंट, GINT, गिंट, गिंट एक्स। गिंट एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सिंपली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ये लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, ये लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। इसका पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। गिंट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको ऐसे बिल्कुल बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और इसका वैल्यू या तो एक्स के बराबर होगा या एक्स से छोटा होगा। सबको समझने वाली बात यह है कि ये जो गिंट एक्स है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये अंदर अगर इंटीजर है तो वही रहेगा। तो हमको ध्यान देना है कि अगर अंदर इंटीजर है, अगर इंटीजर है मीन्स अगर ये पूर्णांक है तो उसका जो आंसर है वो इंटीजर ही होगा। क्लियर है? उसका जो आउटपुट मीन्स प्रोडक्ट मीन्स जो रेंज मिलेगा, जो अगर हम इनपुट अगर इंटीजर डालेंगे, इनपुट मीन्स यहाँ डालेंगे, इनपुट डोमेन में डालेंगे, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा हमको इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर का आउटपुट क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर का आउटपुट इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं, अगर ये नॉन इंटीजर है तो क्या होगा? अगर ये नॉन इंटीजर है तब क्या होगा? तब इसका आउटपुट क्या मिलेगा? तब इसका आउटपुट हमको दूसरा मिलेगा। अगर ये अभी हमको दो बातें देखनी है। अगर ये नॉन इंटीजर है सर, तो नॉन इंटीजर हमको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये पॉजिटिव है और नॉन इंटीजर है, मान लीजिए 4.6 है, तो इसका जो हम गिंट लेंगे ना, तो इसका जो गिंट लेंगे तो हमको जो लेग सो इससे छोटा है डेफिनेशन ना, अगर इंटीजर है तो वही का वही रहेगा, इक्वल है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा वाला इंटीजर होगा। डेफिनेशन कहता है उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। तो आपको पता है ना 4.6 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर कितना होगा? 4.6। अरे यार, ये रहा यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, तो 4.5, 4.6 तो यहाँ हुआ ना, 4.6 जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा? यही तो होगा 4। तो जैसे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? अब अगर हमको 4.2 भी लेंगे, इसका गिंट लेंगे, तो 4.2 तो हमको यही मिलेगा ना, तो इससे छोटा वाला भी तो 4 ही होगा ना। 4.9 भी लेंगे तो भी उससे जस्ट छोटा वाला, तो अगर हम 4.9 भी लेंगे तो इसका जस्ट छोटा वाला क्या होगा इंटीजर? 4.9 भी अगर हम लेते हैं तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमको 4 ही मिलेगा। हमको यहाँ नहीं देखना कि 6 है 9 है तो 5 हो जाएगा, नहीं, 4.9 है तो इससे जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर है वो बिल्कुल हमको क्या मिलेगा? हमको इसको नंबर लाइन में भी देखना है, छोटा वाला जस्ट जो इंटीजर है 4.9 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर वो क्या है? हमारा 4 है। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव के लिए। अगर ये नेगेटिव है सर, नेगेटिव है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा वाला होगा। मान लीजिए हमने 4.6 ले लिया, तो 4.6 हमको देखना पड़ेगा। यहाँ 0 हुआ, -1, -2, -3, -4, -5, तो 4.6 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा ना। तो 4.6 कहाँ होगा? उसको सही से लिख लेते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर है? और -6 हम ले रहे 4.6, तो 4 यहाँ है ना सर, 4.6 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा? ये 5, जस्ट छोटा वाला उधर लेफ्ट साइड में क्या होगा? 5। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -5। बस ये ध्यान देने वाली, ये हमको ध्यान देने वाली बात है। -4.6 का जो इंटीजर आएगा वो आएगा -5। अगर यहाँ -7.2 होगा, इसका गिंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.2 से छोटा 8 की तरफ, ये होगा -8। बस यही हमको ध्यान देने वाली बात है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये 7 होता, अगर ये नेगेटिव है तो -8 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि संख्या रेखा जो जब हम नंबर लाइन देखते हैं तो हम छोटे वाले की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर कहता है कि अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर रखो,
अगर वो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तो उससे जस्ट जो दिया हुआ है उससे जस्ट छोटा वाला लिखो। जैसे यहाँ था, जैसे हमने छोटा वाला लिखा, यहाँ था छोटा वाला लिखा, यहाँ था जस्ट छोटा वाला लिखा, यहाँ था जस्ट छोटा वाला कितना लिखा, माइनस फाइव लिखा। ये आपको कहानी पकड़ में आ गई। ये तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या गिंट फंक्शन का क्या डेफिनेशन या जो भी कह लीजिए ये किस तरह से होता है, ये हमने आपको समझा दिया। अब हमको पता करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, आखिर है क्या ये फंक्शन है क्या। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये कहानी आपको समझ में आ गई, वेरी नाइस। अब चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, अब हमको देखना ये है कि ये जो फंक्शन है क्या ये वन वन है। एफ इज़ नॉट वन वन, हम पहले ही बोलते हैं कि ये वन वन नहीं है, एफ इज़ नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। क्यों वन वन नहीं है, रीज़न क्या है भाई, एफ जो है वो वन वन क्यों नहीं है, क्लियर वन वन नहीं है ना। क्योंकि देखिए, इसलिए वन वन नहीं है कि अगर मैं एक्स का वैल्यू अगर मैं वन से अगर मैं टू के बीच लूँ, मैं इसका गिंट ले लूँ, या फिगर बनाइए ज़ीरो वन टू, वन से टू के बीच में कोई भी चीज़ ले लो, या वन से टू के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो उसका जो हमको गिंट मिलेगा तो सबसे छोटा वाला मिलेगा, ये इंटीजर वन, इसका वैल्यू वन होगा। मीन्स वन से टू के बीच में कोई भी नंबर हम ले लें उसका हमको गिंट कितना मिलेगा, वन। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि 1.5 का गिंट भी हमको कितना मिल रहा, वन मिल रहा। 1.9 का गिंट भी हमको कितना मिल रहा, वन मिल रहा। 1.3 का गिंट भी हमको कितना मिल रहा, वन मिल रहा। तो सर ये जितने भी नंबर्स हैं तो ये जो और ये रियल नंबर्स हैं डोमेन में, हम डोमेन में रियल नंबर ले रहे हैं ना, और वन से टू के बीच जितना भी नंबर है सबका आंसर कितना मिल रहा, वन। मीन्स हम देख रहे हैं, देखिए हमको क्या मिल रहा, हमको जो फंक्शन है हम 1.5 ले रहे, 1.9 ले रहे, 1.3 ले रहे, सबका हमको आंसर कितना मिल रहा, वन। क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये वन वन फंक्शन है, ये हमको वन वन फंक्शन तो कहीं नहीं दिख रहा, ये हमको क्या ये वन वन है, नहीं नहीं, ये मैनी वन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, ये मैनी वन है, मतलब ये वन वन नहीं है। पकड़ में आ गई बात, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच जितने भी नंबर्स हैं सबका आंसर वन ही आ रहा है, सबका आंसर वन आ रहा है, तो ये वन वन फंक्शन तो है नहीं, ये मैनी वन फंक्शन है। सो हम बोलेंगे सो एफ इज नॉट वन वन, ये एफ वन वन नहीं है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया एफ वन वन क्यों नहीं है, क्लियर है दोस्तों, एफ वन वन नहीं है। अब रही बात वन वन नहीं है तो भी इन्वर्टिबल कैसे होगा, यस ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। अब दूसरी बात रही कि वन वन जब नहीं है, वन वन जब नहीं है तो क्या ऑन टू है, हम लोग देख लेते हैं ऑन टू है कि नहीं है। चलिए यह बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एफ इज़ नॉट ऑन टू, हम पहले ही बोल देते कि एफ ऑन टू नहीं है, मीन्स ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब क्यों सर्जेक्टिव नहीं है, तो सर देखिए ना, इसका जो रेंज मिला, चूंकि जो रेंज ऑफ फंक्शन मिल रहा है, रेंज जो मिल रहा है, इसका रेंज क्या मिल रहा है, रेंज क्या मिलेगा, इसका जो भी हमको रेंज मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमको जो इसका जो रेंज मिल रहा है सर वो क्या मिल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या रियल नंबर के बराबर है, नहीं, जो कि बिल्कुल भी रियल नंबर के बराबर नहीं है, चूँकि रियल नंबर में तो इंटीजर होता है पूरा अंक, और रियल नंबर में तो सब कुछ आता है ना, तो क्या इंटीजर्स क्या रियल नंबर के बराबर हो गया, नहीं हुआ। सो क्लियरली ये बात क्लियर है कि ये जो रेंज है सर वो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। सो एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, एफ जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है, और जब वो सर्जेक्टिव नहीं है तो इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू नहीं है, न एफ वन वन है न एफ ऑन टू है। सो हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ क्या है वो बाइजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज़ नॉट इन्वर्टिबल,
एफ जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। एफ क्या है सर? वो इन्वर्टिबल नहीं है। एफ क्या है? इन्वर्टिबल नहीं है। इसका मतलब याद रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन का हम लोग जो है वो हम क्या उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, चूँकि 1-1 भी नहीं है और 1-2 भी नहीं है। बिल्कुल मॉडलस फंक्शन की तरह, मॉडलस फंक्शन भी 1-1 नहीं था, 1-2 नहीं था। क्लियर है? इसका जो ग्राफ बनता था हम लोग देखे थे जीना की तरह बनता था, आपको याद होगा हम लोग इस तरह से जीना की तरह बनाते थे इसका ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से, फिर इस तरह से, आपको याद होगा। और मॉडलस फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल वी टाइप का बनता था इस तरह से, आप लोगों को याद होगा। तो ये मॉडलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या गिंट फंक्शन या स्टेप फंक्शन ये भी 1-1-1-2 नहीं, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना ही बताता है और ये प्रूफ करता है कि हम और जोश के साथ कोई नया वीडियोज़ बनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल देन, बाय।